सो फाइनली दोस्तों शैतान मूवी का डे नंबर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, ओ भाई साहब अनबिलीवेबल भाई, सेकंड डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस जैसा सोचा था वैसा ही आया है दोस्तों। और आपको बता दूं कि जो लोगों में एक एक्साइटमेंट थी इस फिल्म को देखने की, भाई आज की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी, इवनिंग और आफ्टरनून सब कमाल की है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि डे नंबर 3 की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है एंड कलेक्शंस बड़े सॉलिड आए दोस्तों। मतलब आज डे नंबर 2 का कलेक्शंस तो मैं बताऊंगा कितना आया है। और जैसा कि आप सब लोगों ने वोटिंग की थी, मैंने वोटिंग भी शेयर की थी और आप लोगों ने 12, 15, 17, किसी ने 25, सबके सबके आंकड़े अपने अपने थे। लेकिन दोस्तों डे 2 का कलेक्शंस कितना आ चुका है, ऑफिशियली कितना आ चुका है वो भी बताऊंगा। और डे नंबर 3 में दोस्तों अभी बता दूं कि कितना कलेक्शंस और कितने टिकट बिक चुके हैं, ओवरसीज का कलेक्शंस कितना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई लोगों अपने भाई पे थोड़ी सी रहम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो। और दोस्तों पहली बार देख रहे हो मुझे तो लव यू ऑल, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार देते रहो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोगों सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का जो अपने भाई रवि चौधरी को हमेशा से प्यार देते जा रहे हो। और मैं इस प्यार का, आपका इस भरोसे का हमेशा दोस्तों क्या बोलते हैं, थैंकफुल, ग्रेटफुल रहूंगा। तो देर किस बात की, लव यू। देखो यार अभी शैतान मूवी का दोस्तों डे 2 चला गया है। शाम के मेरे 6 बजे की जो रिपोर्ट आई थी, 6 बजे की रिपोर्ट में इस फिल्म ने, इस कालनी की रिपोर्ट आई थी, उसमें 11 करोड़ का कलेक्शन शाम के 6 बजे का दिया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि डे 2 का कलेक्शंस कितना आ रहा है, तो भाई लोगों डे 2 का कलेक्शंस लगभग 17 से लेकर 18 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है। मतलब इसका कलेक्शन 17 करोड़ की उम्मीद लगाई जा रही है कि 17 करोड़ आएगी। अभी ऑफिशियली पोस्टर जब तक नहीं आ रहा दोस्तों, 17 करोड़ कन्फर्म है जो मुझे सोर्सेज से पता चले हैं। इसके बाद दोस्तों जैसा ही ऑफिशियल पोस्टर आएगा डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद 1-2 करोड़ का ही अंतर आएगा, बट 17 करोड़ आए हैं तो दोस्तों इट्स नॉट ए बैड नंबर, इट्स अ गुड नंबर। बट यस दोस्तों दृश्यम 2 जो है आज के दिन डे नंबर 2 में लगभग 22 करोड़ के आसपास कमाई थी, 21.90 करोड़, तो 17 करोड़ इस हिसाब से कम है। उम्मीद तो थी कि 20 करोड़ आएगी दोस्तों, बट ये क्या यार 20 करोड़ नहीं आ पाया, तो थोड़ा सा यार थोड़ा सा निराश हूं मैं। बट दोस्तों घबराने की बात नहीं है, ये 17 करोड़ भी बहुत ही फाड़ू है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि भाई आज भी अगर मैं बात करूं, हर एक घंटे में लगभग कोई 20,000 टिकट बुक हो रहे हैं, 23,000 हो रहे हैं, कभी कभी 25,000 हो रहे हैं। सो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हालांकि दोस्तों बुक माई शो पे भगवा हर जगह है। आज शो के जितने भी शाम के शो है, लाइक 6 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक मैं देख रहा हूँ भाई, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, मुंबई हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, तमाम जगहों पे दोस्तों हर जगह भगवा है भाई। मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस फिल्म को प्यार नहीं दिया जा रहा। सिंगल थिएटर में इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक क्रेजीनेस है। इनफैक्ट मल्टीप्लेक्स एंड PVR INOX में तो अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, सिंगल थिएटर पर इस फिल्म ने दोस्तों बहुत तगड़ा कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि देखो यार कल नंबर डे थ्री कल संडे है, सबकी छुट्टी होती है एंड हम सबको पता है कि यूजुअली फ्राइडे और सैटरडे से ज़्यादा कलेक्शंस डे 3 का होता है। अगर आज ये 17 करोड़ भी कमाती है मिनिमम, तो कल का कलेक्शंस भाई 20 करोड़ तो पार है, यही 22 करोड़ भी पहुंच सकता है, ठीक है, जो मेरे प्रोडक्शंस आ रहे हैं। देखो ओवरसीज़ में इस फिल्म ने पहले दिन दोस्तों कमाया था 5 करोड़, और आज टोटल ओवरसीज़ में जो कलेक्शंस हो रहे हैं लगभग ओवरसीज से 15 करोड़ कलेक्शन दिख रहा है, क्योंकि आज दुगुना कलेक्शंस ओवरसीज से हुआ है। अजय देवगन को दोस्तों बता दूं कि कोरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्योंकि कोरियन जो मेकर है, फिल्म मेकर, वो अजय देवगन से इंस्पायर्ड है। एंड आपको बता दूं कि बॉलीवुड की कॉपी कर रहा है कोरियन मूवी, जी हाँ, वो दृश्यम की रीमेक कर रहे हैं, मतलब कॉपी पेस्ट चल रहा है, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना साउथ वाले की, वैसे कोरिया वाले हमें बॉलीवुड की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वेल इट्स अ प्राउड, नो डाउट, बट दोस्तों बता दूं कि शैतान की कॉपी पेस्ट भी हो सकती है। हालांकि एक न्यूज़ भी आई थी कि तमिल वाले वश की कॉपी करेगी, मतलब हो सकता है शैतान की भी अब साउथ वाले कॉपी पेस्ट करके बनाए, रीमेक बनाए। सो खैर कोई दिक्कत नहीं, अजय देवगन एक ऐसे स्टार है दोस्तों जिसका इंतजार हम उनकी फिल्मों का हमेशा करते हैं। एंड अभी से नहीं है यार, वो 90s के सुपर खिलाड़ी है, मतलब एक्शन वन ओनली, जब अजय देवगन की आंखें और एक्शन हाथ बोलते हैं ना भाई, मज़ा ही कुछ और आता है। अजय देवगन ने अपना जोन बना रखा है यार, खासतौर से उनकी फिल्म में जिसमें फैमिली वैल्यूज होती है, खासतौर पर जहाँ पर एक्शन की फिल्में होती है, बाजीराव सिंघम जैसी फिल्में देखी हमने, दृश्यम जैसा लुक देखा, फैमिली को बचाते हुए देखा, बेटी को बचाते हुए देखा। अब दोस्तों एक तरफ जहां शाहरुख खान बोलते हैं कि भैया बाप को लगाने, बाप को, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, उसके बाद भाई
ये बाप बेटी का प्रचलन पता है कहाँ से लिया गया है? सन्नी देओल की फिल्म गदर 2 से। याद है जब वो मोमेंट जहाँ सन्नी देओल अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है, ठीक है, और वहाँ पे सन्नी देओल का एक सुपर डायलॉग दोस्तों वो बोलते हैं, बेटे को बाप से मिलना है, बट बहुत कर्रा वाला डायलॉग था। अब मैं देख रहा हूँ वो मोमेंट हर पिक्चर में यूज़ हो रहा है, कोई बाप जो है बेटे को बचा रहा है, कोई बाप बेटी को बचा रहा है, तो बेटी को बचाने से पहले बाप से बात करिए। अजय देओल की फिल्म शैतान का है। सो वेल दोस्तों, देखो यार कहने का मतलब यही कि यार ओवरऑल शैतान मूवी जो है एक गुड फिल्म है। कम बजट के अंदर इतना अच्छा कलेक्शंस करना, आई मीन दोस्तों यही फिल्म का एक सॉफ्ट पावर होना चाहिए, जिसमें आप लोगों को मैसेज दे रहे हो अच्छा खासा, जिसमें आप दोस्तों कम बजट में अच्छा करोड़ों कमा रहे हो। सो मुझे लगता है कि दोस्तों 200-300 करोड़ की फिल्म बनाकर और 300 करोड़ कमाना बेवकूफी होगी, रैदर देन 10 करोड़ की फिल्म बनाकर 100 करोड़ कमाना, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोस्तों। वेल दोस्तों ऐसे बहुत ही कम बजट की फिल्में आई है, लाइक कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी। देखो यार कल संडे है, कल का ऑक्यूपेंसी बता दूं, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी अभी तो कम है, ऑलमोस्ट 40% है, आफ्टरनून लगभग 50% एंड इवनिंग जो है जा सकती है 60%, जो मैं उम्मीद लगा रहा हूं आज के डाटा को कंपेयर करके। वेल दोस्तों बता दूं कि संडे कल है, कल टोटल टिकट 115,406 टिकट जो है अभी बिक चुके हैं, हो सकता है 120,000 टिकट हो गया हो, तो संडे के लिए 120,000 टिकट के आसपास का सोल्ड आउट हो चुका है। 11,840 शोज पे ये एडवांस बुकिंग है कल के लिए, डे 3 के लिए। एंड आपको बता दूं कि मोटा मोटा 3 करोड़ का कलेक्शन पहले ही कर चुकी है अजय देवगन की फिल्म कल संडे के लिए। और आपको बता दूं कि अभी 3 करोड़ है शाम तक की रिपोर्ट, हो सकता है कि रात तक कल लोगों ने कल के लिए जो स्पॉट बुकिंग की होगी या कल के लिए ऑनलाइन की होगी, तो डेफिनेटली ये कलेक्शंस और बढ़ेंगे, तो रात में हो सकता है कि 4-5 करोड़ भी हो जाए। हर दिन ओवरसीज से 5 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ कलेक्शंस हो रहा है, कल संडे है दोस्तों, और कल मुझे लग रहा है ओवरसीज से खाली लगभग 12-13 करोड़ तो कमा ही लेगी। तो टोटल दोस्तों कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल 3 दिन में ये फिल्म जो है आपको बता दूं कि लगभग 65 करोड़ भी क्रॉस कर सकती है, 60 करोड़ तो ऊपर जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीकेंड आ जाएगा। देखो तेरी बातों में उलझा जिया मूवी आई थी दोस्तों, पहले वीक में 45 करोड़ का कलेक्शंस किया था, इतना तो भरोसा है मुझे कि शैतान जो तेरी बातों में उलझा जिया के फर्स्ट वीकेंड यानी कि 3 दिन में लगभग 45 करोड़ का जो कलेक्शन था उसको क्रॉस कर देगी, क्योंकि वो क्रॉस कर रही है, साफ साफ दिख रहा है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो मूवी आई थी दोस्तों, ऑफ कोर्स शैतान की हाइप बड़ी सॉलिड है और पब्लिक इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दे रही है। इस फिल्म में था ही क्या यार, इस फिल्म में सिर्फ लोगों की एक्टिंग मैटर कर रही है, पूरी फिल्म का शूट तो जंगल में था और फार्म हाउस में था, तो यहां पर तो भाई अजय देवगन ने पूरा पैसा बचाया। कैरेक्टर थे ही कितने भाई, शुरू में तो 4-5 कैरेक्टर है, उसके बाद थोड़ी सी क्राउड है लास्ट के 30 मिनट में, ठीक है। सो वेल दोस्तों काफी अच्छा रिस्पांस है। डे 3 की एडवांस बुकिंग मैंने आपको बता दिया। देखो यार अभी तक स्क्रीन्स की बात करूं तो हो सकता है कि कल इसके स्क्रीन्स और बढ़े, लगभग 6,000 स्क्रीन्स पे पूरे वर्ल्ड में चल रही है, कल क्या पता इसमें 7,000 स्क्रीन्स भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। शोज भी बढ़ रहे, 14,000 शोज पे चल रही है, शोज भी बढ़ेंगे इसके डेफिनेटली, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। जो दोस्तों ये थी अपडेट है शैतान के डे 3 के एडवांस बुकिंग को लेकर। एंड अभी तक अगर मैं बात करूँ तो कल के टिकट को लेकर मतलब एडवांस मिलाकर लगभग 6,50,000 के आसपास का टिकट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है, जो मुझे आंकड़े आ रहे हैं 6.5 लाख टिकट दोस्तों। कल हो सकता है कि आपको बता दूँ कि 1 लाख और सोल्ड आउट हो जाए, मतलब 7.5 लाख रात तक पहुँच जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आ रहे दोस्तों। और क्या लगता है शैतान मूवी कल डे 3 में क्या प्रोडक्शन होगा, क्या शैतान कल डे 3 में 25 करोड़ पार कर पाएगी, जो सबसे बड़ा नंबर है। लाइक कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एंड दोस्तों अजय देवगन फैंस, क्या लगता है ये फिल्म शैतान रिकॉर्ड तोड़ेगी, झंडे गाड़ेगी बॉक्स ऑफिस पे? और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ अजय देवगन ने मैदान फिल्म के रास्ते खोल दिए हैं। अब यहाँ पर अक्षय कुमार का, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि अक्षय कुमार के सामने एक बहुत बड़ा सुनामी खड़ा हो गया है, क्योंकि मैदान का ट्रेलर जब मैंने देखा ना, तो भाई साहब मेरे दिल से यही निकली थी, भाई ये फिल्म ले जाएगी मैदान, 200 करोड़ पार है मैदान, ठीक है, क्योंकि वो फिल्म नहीं है भाई, सुनामी है। तो दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ क्लैश होगी मैदान, एंड देखने में दोस्तों दोनों फिल्मों को मजा ही आएगा। क्या शैतान दोस्तों दृश्यम 2 के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, 350 करोड़ पार हो पाएगी? लाइक कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसी तरह प्यार देते रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।